लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों के काम आए जो के रंग उड़ाए जो उलझनों को सुलझाए जो राजा रैंचो राजा रैंचो राजा रैंचो। तो इनके नए ढंग लाए जहां में नए रंग मस्तियों में झूम के मंजिलों को चूम के चले जमाना इनके संग। मेरा नाम अभिलाष चतुर्वेदी है। आज से 15 दिन पहले मैं टेलीविजन के एक मशहूर चैनल पर रिपोर्टर हुआ कर। भैया रश्मि जी, आपने मुझे कैसे याद किया? आप यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर धनराज गुप्ता को तो जानते होंगे ना? धनराज गुप्ता? उन्हें यहाँ कौन नहीं जानता, उन्हें तो यहाँ का बच्चा बच्चा जानता है, क्योंकि वो बहुत ही बदनाम आदमी है। आप इस मजबूर लड़की के लिए बस इतना कीजिए कि मेरे और धनराज के बीच होने वाली बातचीत को इस कैमरा में बंद कीजिए और कैसेट मुझे दे दीजिए। तुम मुझे कोर्ट ले जाओगी, तुम मुझसे अपने बच्चे का हक मांगोगी। क्यों रश्मि? इंस्पेक्टर, कई निर्दोष लोगों की हत्या करने वाले धनराज गुप्ता को आपने फांसी पर चढ़ाने की कसम खाई थी ना, वो कसम आपके पूरी होगी। वो कैसे? क्योंकि उसने एक और निर्दोष का खून कर दिया है और उसके खून करने की जीती जागती तस्वीर मैंने इस कैसेट में रिकॉर्ड की है। कैसेट मेरे हवाले कर दे। मैं जिंदा नहीं, मैं भूत। नमस्ते इंस्पेक्टर साहब। जी नमस्ते, कहिए। मैं प्राइवेट डिटेक्टिव राजा। ओ मिस्टर राजा, नाइस मीटिंग यू। सेम है। आ जाओ, ये मेरे साथी है रेंचो। ओहो, प्लीज हैव अ सीट। देखिए, ये भी आपसे मिलने के लिए आ गया। धन्यवाद। बैठिए, कुछ नहीं कहेगा। कहिए, हमारे शहर में कैसे आना हुआ? आया था घूमने के मकसद से, लेकिन यहाँ की ठंडी वादियों के गर्म माहौल को देखकर मेरा दिमाग चकरा गया। मतलब ये कि यहाँ भेड़ों की भीड़ में एक भेड़िया भी घूम रहा है जो जब तब मौका देखकर अपने जबड़े में किसी को दबोच कर मार डालता है। मेरा मतलब कॉन्ट्रैक्टर धनराज गुप्ता से है। लेकिन इस सब का आपको कैसे पता चला? बस चल गया मिस्टर राजा। वो धनराज गुप्ता तो कब का जेल की सीखचों के पीछे पड़ा सड़ गया होता, अगर उसने अभिलाष को मारकर वो कैसेट जिसमें उसके काले कारनामों का चिट्ठा है अपने कब्जे में ना ले ली होती। लेकिन माथुर साहब, मेरी जानकारी के हिसाब से अभिलाष की मौत के बाद भी वो कैसेट धनराज गुप्ता को नहीं मिली। आपको ये जानकारी कैसे मिली? बस हो गई। फिर वो कैसेट गई कहां? माधुर साहब, इस बात की जानकारी अभी तक किसी को भी नहीं है कि वो कैसेट आखिर गई कहां। देखिए मिस्टर राजा, मुझे लगता है कि आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है, क्योंकि मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो कैसेट धनराज के पास ही है और इसीलिए अब तक वो चुप्पी साधे बैठा है। ठीक है माधुर साहब, आपकी तसल्ली के लिए मैं एक बार फिर से पता कर लेता हूं कि वो कैसेट धनराज गुप्ता के पास है।
या नहीं। चलता हूं, फिर मुलाकात होगी आपसे। बेस्ट ऑफ लक। जय। हेलो, मैं धनराज बोल रहा हूं। और मैं वो शख्स बोल रहा हूं धनराज, जिसका तुम्हें इंतजार था। मतलब? मतलब ये कि मेरे हाथ एक कैसेट लगी है, वीडियो कैसेट, जिसमें तुम एक लड़की का खून करते नजर आते हो। तुम हो कौन और तुम्हारे हाथ में ये कैसेट आया कहां से? कहां से आया, इस बात का तुम्हें कोई सरोकार नहीं होना चाहिए धनराज। बस तुम इतना जान लो और इतना बता दो कि तुम मुझे उस कैसेट के बदले में दोगे क्या? तुम लोगे क्या? इंटेलिजेंट गाय, मुझे सिर्फ 10,000 रुपए की जरूरत है। 10 नहीं, मैं तुम्हें 20,000 दूंगा, लेकिन वो कैसेट मेरे हवाले करो। वाह, वेरी गुड। तब तुम एक काम करो, नगीना फार्म हाउस देखा है ना तुमने, उसके पीछे एक खेत है कुएं के पास, वहां मैं तुम्हें मिलूंगा, वहां आ जाना। 10,000 रुपए, नहीं नहीं, तुमने 20,000 रुपए बोला ना, वो लेकर। मुझे पहचानना बहुत ही आसान होगा, मैंने काली पैंट, पीली कमीज, उसके ऊपर लाल रंग की टोपी लगा रखी होगी। और सुनो, पुलिस को खबर मत करना, वरना बहुत बुरा होगा। हाँ ठीक है। आड़ा 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 आड़ा। ए बेटा, आजा आजा। सॉरी 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 सॉरी, गुस्सा हो गया, चना खिलाता तेरे को। आड़ा 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 आज की बुमड़ी कब से बैठे हो यहाँ पर? क्यों, सारा जगह तुम्हारा क्या? तुमने यहाँ किसी आदमी को आते हुए देखा तो नहीं? हो सर, एक आदमी आया था। क्या पहने हुए था वो? ओ सर, ओ काला पैंट, पीला शर्ट और लाल लाल टोपी लगाया था, और उधर खड़ा होकर ऐसा ऐसा बीड़ी पीता था, नहीं नहीं सिगरेट पीता था। फिर क्या हुआ? ओ साहब, मैं क्या बोलता हूं, वो आदमी उधर खड़ा था, सामने से उसको एक ठुल्ला आता दिखाई दिया। ठुल्ला नहीं मालूम, पुलिस वाला डंडा वाला। वो आदमी ठुल्ला को देखकर बोला, हरामखोर ने खबर कर दिया शायद। वो पतली गली से रपट लिया। लगता है गलतफहमी हो गई उसको। ओ साहब, मैं उन्हें पहला भी कितनी बार देखा साहब, मेरे को वो आदमी जमीन के अंदर का दिखता, नहीं समझता साहब, नंबर 2 का आदमी दिखता। अच्छा, पहले कहां देखा उसको? क्या वादा करते हैं साहब, मैं उन्हों के 3 बार देख रही। हाँ, एक बार ठेसन पे देख रही, 2-3 बार माल रोड पे देख रही। ओ हाँ, मेरे को याद आ गई साहब, एक बार वो ब्रिज के नीचे मिलते हैं मेरे को। क्या बोलते हैं साहब, ए बंदर वाला, बहुत भारी आवाज साहब उसका, ए पट्ठा आदमी, ए बंदर वाला, खाना वाना खाते हैं कि नहीं खाते हैं?
मैं उसको बोलता ही साहब, आप खिलाते ही तो जरूर खाते ही। क्या भला माना इस आदमी साहब, 20 रुपए लिखी से निकाल कर मेरे हाथ में रख दी, बोलते जा खाना खा ले। ए साहब ए खाए। हाँ खा लो खा लो। आज कुछ नहीं बोला वो तुमसे? नहीं साहब, आज तो हमको बहुत टेंशन में लगता था साहब। ओ उसके हाथ में 61 हो तो साहब, मेरे को लगता साहब फिल्म देखने का प्रोग्राम होता कुछ। ओफो, इस कैसेट ने मेरा जीना हराम कर रखा है। काय को साहब, आपका भी उसके साथ फिल्म देखने का प्रोग्राम होता क्या? अरे नहीं यार, तुम नहीं समझोगे। देखो अब की बार वो तुम्हें कहीं भी दिखाई दे तो मुझे तुरंत खबर करना, ठीक है? बहुत सारे रुपए दूंगा। क्या बात करते हैं साहब। हाँ साहब, फिर तो मैं तुम्हारे को फोन जरूर करूंगा। आप मेरे को अपना नंबर दे दो, मेरे को फोन करना आता साहब। देखो वो जहां भी मिले इमीडिएट मुझे खबर करना, ओके? क्या इमीडिएट बोलते साहब? अरे मुझे तुरंत खबर कर देना। हो साहब जरूर करेगा। आजा बेटा आजा। इंस्पेक्टर माथुर, मैं राजा बोल रहा हूं। हाँ बोलो राजा। एक खुशखबरी है हम सबके लिए। वो क्या? मैंने अच्छी तरह पता कर लिया है कि वो कैसेट धनराज गुप्ता के पास नहीं है। अगर वो कैसेट धनराज के पास नहीं है तो फिर वो कैसेट किसके पास हो सकता है? इंस्पेक्टर माथुर, इस बात का पता करके कि वो कैसेट कहाँ है मैं उसे किसी भी तरह हासिल कर लूंगा। ये जिम्मेदारी अब राजा और रेंचो की है। कि ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। माथुर, मैं अभिलाष के घर जाना चाहता हूं। जरूर जाओ राजा, लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि खराब सेहत की वजह से हमने अभिलाष की मां को अभी तक उसकी मौत की खबर नहीं दी है, और तुम भी मत देना। मैं समझ सकता हूं माथुर, तुम इसकी चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। तुम बस जल्द से जल्द मुझे उसका पता दे दो। लिखो। हाँ ओके ठीक है माथुर, मैं समझ गया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। खूनी का पता लगाएंगे, खूनी को फांसी पे चढ़ाएंगे, खूनी को फांसी पे चढ़ाएंगे। अरे तो चढ़ाते क्यों नहीं, किसने रोक रखा है तुम्हें? अरे साफ साफ कबूल क्यों नहीं करते कि खुद धनराज ने तुम्हें रोक रखा है? मेरी बेटी मुझे छोड़ के चली गई, मेरी बच्ची रश्मि, मेरी बेटी। चाचा जी, कौन? क्या क्या? नहीं चाचा जी, मैं दरअसल ये पूछना चाहता हूँ कि आप इतने परेशान क्यों हैं? मैं परेशान हूं तो क्या तुम मेरी परेशानी दूर कर दोगे? मेरी बेटी रश्मि को वापस ला दोगे जो मेरे बुढ़ापे का सहारा थी? नहीं, किसी धनराज ने उसे अपने प्यार के जाल में फांस के उसको मार डाला, उसे मार डाला। नहीं चाचा जी, जब इस दुनिया में नहीं रही उसे तो मैं वापस नहीं ला सकता, लेकिन उस खूनी दरिंदे धनराज को इस दुनिया से उस दुनिया तक जरूर पहुंचा सकता हूं मैं, ताकि वो फिर किसी मासूम की जिंदगी बर्बाद ना कर सके। लेकिन तुम हो कौन बेटा? चाचा जी, मैं एक प्राइवेट जासूस हूं राजा, और ये है मेरा दोस्त रेंचो। चाचा जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मेरे दिमाग में ख्याल आया, आप एक काम कीजिए, आप चलिए मेरे साथ, सब ठीक हो जाएगा।
सब ठीक हो जाएगा। आप आइए मेरे साथ, आइए आओ रेंचो, आइए आराम से। आइए चाचा, आइए चाचा, आराम से। सोच सोच के दिल भारी हो जाते राजा बेटे, कि अपनी बेटी रश्मि के बगैर इस बैसाखी के सहारे जिंदगी कैसे कटेगी। चाचा जी, मैं आपकी परेशानी समझता हूँ, लेकिन आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आराम से सब ठीक हो जाएगा, बिल्कुल चिंता मत। आप चलिए मेरे साथ, तो मैं आपको बताता हूँ मैंने आपके लिए क्या सोचा है। माँ भी एकदम खुश हो जाएगी। आइए आराम से, चलिए चाचा। आ गए बेटा, कहता था शाम को आ जाऊंगा, इतने दिन हो गए, कहाँ लगा है इतने दिन। आइए चाचा जी। मैं ये चश्मा लाया हूं तुम्हारे लिए। आप कौन? मेरा अविनाश कहाँ है? मेरा अविनाश कहाँ है बोलो। भाई मैं अभिलाष का दोस्त हूँ, वो बाहर गया कुछ दिन के लिए, काम मिल गया है उसे, अच्छा आ जाएगा जल्दी। उसको मेरी जरा भी चिंता नहीं, उसको इतना भी विचार नहीं है कि उसकी माँ कैसे अकेली रहेगी। बेटा बड़ा दिल घबराता है मेरा, अकेले में बड़ा दिल घबराता है। माई क्यों घबरा रही हो? और फिर तुम अकेली कहाँ हो? चाचा जी रहे, मेरे चाचा जी रहेंगे आज से यहाँ, घबराओ बिल्कुल मत। भाई चाचा जी आए हैं, इन्हें चाय नहीं पूछोगी? बना कर लाती हूँ बेटा, मगर बेटा आप कौन? भाई मैं अभिलाष का दोस्त हूँ, आया था ना एक बार पहले भी, आपने चश्मा नहीं लगाया था इसलिए आप पहचान नहीं पा रही हैं। चाय बनाओ ना भाई। हाँ बेटा, हम बैठते हैं यहीं। आएगा ना अभिलाष? हाँ माँ क्यों नहीं आएगा। आइए चाचा जी, आराम से बैठिए।